चिंता वर्सेस चिंतन, शब्द एक जैसे लेकिन रात दिन का फर्क। March 24, 2020, ये तारीख कोई नहीं भूल सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा की थी। मंदिर, उपाश्रय दुकान, सब जगह पर ताले लगे। कोरोना के साथ साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, रेस्टलेस, ये सब चीजें हमें देखने को मिली। कुल मिलाकर चिंता का एक नया दौर शुरू हुआ। सब चिंता में डूब गए। क्या होगा, क्या होगा, आखिर क्या होगा। कुछ लोगों ने लूडो आदि खेलकर लॉकडाउन में अपना समय बिताया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म से जुड़े। इसी लॉकडाउन में एक महान जैन आचार्य भगवंत श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने लेख लिखने शुरू किए। विषय बहुत सिंपल, चिंता या चिंतन। उनके कहने का तात्पर्य ये कि कोरोना काल में हम सभी को चिंता करनी चाहिए या चिंतन करना चाहिए। दिन बीतते गए और पूज्य श्री ने 60 यानी 60 लेख लिख डाले और ये 60 लेखों की बन गई एक अद्भुत पुस्तक जिसका नाम रखा गया कोरोना लेखमाला, चिंता वर्सेस चिंतन। और लगभग ये सारे लेख हमारी यानी हम सबकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उससे मिलते जुलते हैं। ना इसमें कोई शास्त्रीय भाषा है, ना ही कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। एकदम सीधी, सिंपल और सरल भाषा द्वारा हमारी जिंदगी को कनेक्ट किया गया है। आइए इन लेखों में से एक लेख देखते हैं। लेखांक नंबर 14, निंदा प्रशंसा कड़वी मधुर घटनाओं के माध्यम से यह विचार आया कि मन आत्मा का शत्रु है। हम हमारे परम शत्रु ऐसे मन का कहा हुआ ही करते आ रहे हैं, इसलिए मन को शत्रु कहेंगे और दोहराएंगे तो उसे छोड़कर परम मित्र ऐसे परमात्मा का कहा हुआ मानने की शुरुआत करेंगे। पूज्य श्री यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने आप को इन सिचुएशंस में इमेजिन करना होगा। ए, बी, सी, डी, चार लोगों का हम विचार करते हैं। ए, व्यापार जोरदार, पत्नी प्रेमपूर्ण, वफादार और शांत, संतान सीधे और होशियार, समाज में अच्छा सम्मान, लेकिन सर्दी, बुखार, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ, कोरोना पॉजिटिव आया है। अब बी, व्यापार जोरदार, स्वास्थ्य निरोगी, संतानें भी सीधी और होशियार, समाज में प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी, लेकिन पत्नी बहुत झगड़ालू, एक दिन भी शांति नहीं। सी, स्वास्थ्य निरोगी, पत्नी शांत, प्रेमपूर्ण, वफादार, संतान अच्छे और सुसंस्कारी, समाज में प्रतिष्ठित, लेकिन गरीबी हमेशा घेरे रहती है। डी, स्वास्थ्य निरोगी, संपत्ति अच्छी, पत्नी अच्छी, प्रतिष्ठा अच्छी, लेकिन संतानें ऐसी आवारा कि बार बार पुलिस के चक्कर, गुंडों की धमकी, पैसों का पानी और इज्जत का कचरा। ए को पूछो कि तू सुखी है या दुखी, वह कहेगा कि दुखी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि पैसा, पत्नी आदि फैक्टर्स के बजाय स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा महत्व है। तो फिर बी, सी और डी खुद को सुखी ही कहेंगे ना। कारण ये कि इन तीनों का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है। अब बी की बारी। बी भी खुद को दुखी मानता है। क्यों? क्योंकि पत्नी अच्छी नहीं है। तो क्या पत्नी ही सुख दुख का मुख्य आधार है? और अगर ऐसा है तो फिर ए, सी और डी बिल्कुल भी दुखी नहीं होने चाहिए, राइट? सी के पास चलते हैं। सी भी खुद को दुखी ही मानता है। क्यों? क्योंकि पास में पैसा नहीं है, गरीब है। तो क्या गरीबी ही सभी दुखों का मूल है? तो ए, बी और डी ये तो धनवान है, फिर ये तीनों दुखी क्यों है? अब आखिर में डी की सुनते हैं। डी भी खुद को दुखी ही कहता है। क्यों? क्योंकि संतानें बिगड़ी हुई है। तो क्या कुलक्षणी संतानें यानी बिगड़ी संतानें ही इंसान को दुखी करने वाली है? कमाल है। तो फिर ए, बी और सी ये लोग दुखी क्यों है? पूज्य श्री कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि स्वास्थ्य, पत्नी, पैसा या संतान आदि इनमें से कोई भी दुख का आधार नहीं है। सभी दुखों का मूल आधार मानव का मन है। इस मन ने तय कर लिया है कि जीवन में 9 प्लस पॉइंट्स हो और 1 माइनस पॉइंट हो तब भी आत्मा को सुख का अनुभव करने ही नहीं देना है, दुख का ही अनुभव कराना है। इसीलिए प्लस पॉइंट्स 9-9 होते हुए भी मन आत्मा का उस ओर ध्यान जाने देता ही नहीं है और बार बार उदाहरण के लिए मुझे कोरोना है, मुझे कोरोना है, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसी बातें ही याद दिलाया करता है। व्यापार कितना अच्छा है, पत्नी कितनी प्रेमपूर्ण है, संतानें कितनी विनीत है, मन आत्मा को इन सब का विचार अथवा ध्यान तक आने नहीं देता है। और यदि ये बातें ध्यान में नहीं आए तो जीव खुद को किस प्रकार सुखी मान सकता है? 31 दांत में नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक दांत में थोड़ी सड़न है। देखो मन की चालबाजी, यह जीव को पीड़ा देने वाले दांत के पास ही भेजा करता है, उसका ही ध्यान दिलाया करता है। 31 दांत तो मानो है ही नहीं
और मेरे दांत में सड़न है, मेरे दांत में समस्या है, ऐसी ही बात मुंह से बुलवाता है। परीक्षा में 96% लाने वाला खुद को फेल तो नहीं कहता, लेकिन मन जीभ द्वारा, जीभ से ऐसी बातें क्यों बुलवाता है? और अगर मन ऐसा है तो मन आत्मा का शत्रु है या मित्र? तो अब मन की माननी है या प्रभु की? यहाँ पर ये लेख पूरा होता है। अब सेकेंड लॉकडाउन में व्यापार पर, आर्थिक क्षेत्र में बहुत मार पड़ी है। बाहर से भले हम सब हंस रहे हो, लेकिन अंदर की वास्तविकता हम सब जानते ही है। ऐसे में पूज्य आचार्य श्री के अनुसार कोई भी स्थिति में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि कमाई पर चोट लग गई हो और गरीबी में भी मधुरता रखी, घर पर किसी को चिल्लाए नहीं, पत्नी पर क्रोध नहीं किया, कुल मिलाकर चिंता नहीं की और पूज्य श्री के माध्यम से चिंतन को जाना, तो चिंतन किया कि चलो जो हुआ सो हुआ, सब कर्मों का खेल है, जो हुआ उसके पीछे रोने से क्या मतलब? तो क्या ऐसे चिंतन करके बैठे रहना, आगे कुछ नहीं करना? यह बहुत गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री ऐसा समाधान देते हैं जिसे सुनने के बाद अनेक व्यापारियों के दिमाग भी हिल जाएंगे। पूज्य श्री ने इस विषय का उत्तर 40th लेख में दिया है। जानने के लिए हम यह पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और सिर्फ इस विषय में नहीं बल्कि विश्व में चल रही अनेक शंकाओं का समाधान इन 60 लेख की इस पुस्तक में हमें प्राप्त हो सकेगा, जिसका नाम है कोरोना लेखमाला, चिंता वर्सेस चिंतन। यह पुस्तक हिंदी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। यह पुस्तक हम इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं www.hridayodgar.com www.hrudayodgar.com। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए इस ईमेल अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।